So now, exercise 8.2, question number 4th one. Question is, sine 30 degree plus tan 45 degree minus cosec 60 degree upon kya chal raha hai? Sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 डिग्री, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सिंपल सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड टेन 45 का वैल्यू होता है 1 एंड नाउ वी कैन राइट 1/1 माइनस कोसेक 60। साइन 60 का उल्टा होता है कोसेक, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3, ठीक है ना। एंड सेक 30, सेक 30 का मतलब क्या होता है? सेक 30 किसका अपोजिट वैल्यू होता है? कॉस 30 का, है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 मतलब आपका हो गया 1/2 एंड ये हो गया कॉट 45, 1 होता है, ठीक है ना। अब अपसाइड का हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 1 एंड √3, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 2√3। 2√3 को अगर हम इस 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 × 1, √3 + 1 से इसको डिवाइड करो 2√3 टाइम जाएगा, 2√3 का इंटू 1 में करेंगे तो 2√3 आ गया, माइनस √3 से √3 कट हो गया, 2 बचा, 2 का इंटू 2 में किया तो 4 आ गया अपॉन, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? 2√3, इसका भी एलसीएम आ गया, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 का इंटू 2 में किया 4 आ गया, ठीक है ना। अब क्या आ गया? एंड इस 2 से इसको डिवाइड करो, 2 ये बचा, √3 बचा तो प्लस √3 हो गया, प्लस 2√3, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ? इसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो गया? √3 + 2√3, और √3 कितना हो गया? 3√3 माइनस 4 अपॉन कितना हो गया? 2√3 इंटू 2√3 ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल में यही होता है। एंड 4 प्लस 1√3 और 2√3 3√3। अब क्या हो गया? 2√3 से 2√3 कट गया, ठीक है ना। अब क्या बचा? 3√3 माइनस 1 माइनस 4 सॉरी एंड अपॉन 4 + 3√3, तो ये आ गया अपना 3√3 माइनस 4। अच्छा, और ये अपॉन आ गया। अब ये दोनों प्लस के, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3√3 + 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको रैशनलाइज कर दो तो क्या हो गया? 3√3 माइनस फोर और 3√3 माइनस 4, तो ये क्या हो गया अपना? ये डबल बार हो गया, तो 3√3 और क्या है अपना माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो गया नीचे? ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 × 3 = 27 और माइनस 4 × 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 60। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, देन नाउ वी कैन राइट ए स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हुआ? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करो तो 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का 3, तो 9 × 3 = 27 प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो गया। अब क्या बचा? 16 हो गया माइनस 2ab, तो 2 × 3 = 6 × 4 = 24√3 हो गया, 24√3 आ गया अपॉन, ये हो गया 11, ठीक है ना। तो 27 और 16 कितना हो गया? 2 × 3 = 43 माइनस 24√3 अपॉन
11, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, अपन देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? ओके, थैंक यू।